जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अरोही मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूं कि फिर से एक मैं नया चैप्टर लेकर आया हूं, ठीक है, जो आपको ग्रुप डी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एसआई कांस्टेबल के लिए, सारे के सारे एग्जाम के लिए आज मैं आपको पेपर करवा रहा हूं। जो आज मैं आपको पेपर करवाने वाला हूं, जो आपको मैं बता दूं कि घटना चक्र का है ना, ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए एक बुक आया था, ठीक है, उसी बुक से आपको मैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, है ना। तो मैंने जो आज मैं चैप्टर चालू करने जा रहा हूं, जो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से चालू करने जा रहा हूं, अनुपात एवं समानुपात से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखेंगे आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए सब लोग गौर करके ध्यान देंगे, ठीक है, चलिएगा। देखिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, एकदम बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, और जिस जिस एग्जाम में पूछा गया उसका शिफ्ट टाइम और किस बोर्ड में पूछा गया, उस सारे आपका डिटेल सहित आपको क्वेश्चंस पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आज का पहला नंबर क्वेश्चंस, अरे भाई ध्यान दे दो जरा, आज का पहला नंबर क्वेश्चंस बोल रहा है, यदि ए अनुपातें बी बराबर 32:35 है। यदि बाबू आपको दिया है कि ए अनुपातें है ना, ए अनुपातें बी बराबर 32:35 है, ठीक है, क्या बोला, ए अनुपातें बी बराबर 32:35 है तथा बी अनुपातें सी बराबर, अरे भाई देखो ना जरा, बी अनुपातें सी बराबर आपको क्या दे रखा है, 21:32 है, 32 है, तो ए अनुपात सी बराबर भाट है, तो ए अनुपात सी बराबर क्या है, भाट है, यानी पूछा ए अनुपात सी का मान ज्ञात करें। तो आपको बता दूं कि इस तरह के प्रश्न को आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल क्या कर लेना है, बी वाले को बैलेंस करना है, इसमें भी अरी बी, यहां पे बी कितना दिया है आपको, यहां पे भी 32 दिया है, यहां पे भी कितना दिया है, 21 दिया है, काम कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा आप ही बताओ ना, एक ही घर में बताओ एक ही व्यक्ति का दो नाम नहीं चलेगा, एक ही घर में है ना, बोल रहा है एक ही घर में दो व्यक्ति का अलग अलग नाम नहीं होगा। देखिए यहां पे बी का नाम कितना दिया है, 35 दे दिया गया है, और यहां पे बी का नाम 21 दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों जगह पे बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों जगह पे बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो दोनों जगह पे बी का वैल्यू समान करने के लिए देखिएगा बैलेंस मेथड से, आपको मैं बता रहा हूं क्या से बता रहा हूं, बैलेंस ए अनुपातें बी बराबर 32:35 कितना है बाबू, यहां पे 35 है ना, चलो 35 है, यहां तक तो मैंने लिख दिया, और यहां पे अब बताओ बी अनुपातें सी बराबर 21:35 कितना हो गया आपका, 32 हो गया। आप बताओ हमको किसका, दोनों को बराबर करना है, बी को, तो बी को बराबर करने के लगता है ना कि इससे मैं 3 से गुना कर दूं और इसमें मैं 5 से गुणा कर दूंगा, तो दोनों आपस में बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि बी का नाम क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप देखिए ना, 32 में 3 से रेशियो क्या कहता है, गुना ब्रैकेट का मतलब सभी में गुना करना है, चलिएगा आप बताइए 32 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 3 96 है ना अनुपात, तो अनुपात 35 में 3 से गुना करेंगे, 35 3 75 से कितना हो जाएगा, 105, यानी अब बताइए ना बी का मान कितना आ गया, 105, तो यहां भी बी का मान कितना होना चाहिए, 105। अब यहां पे लिखेंगे बी अनुपातें सी, चलो गुना कर दो, 51 5 75 से कितना हो जाएगा, 105 है ना, 51 5 75 से कितना हो जाएगा, 105। अब बताओ यहां पे कितना हो जाएगा, 32 5 है ना, 32 5 60 से 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब बताओ ना मेरे भाई, अब देखो तो यहां भी बी का मान कितना है, 105 है, यहां भी बी का मान कितना है, 105 है, बी का वैल्यू समान हो गया, अब रेशियो प्रकट आराम से कर लेंगे, बी का वैल्यू समान हो गया, रेशियो प्रकट आराम से कर लेंगे, हमको क्या पूछा है, ए अनुपातें सी। आप देखिए मेरे भाई, ए का मान कितना है आपका, 96 है, और सी का मान कितना निकल के आ गया, देखिए सी का मान कितना हो जाएगा, 106, इसको काट लेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, है ना, बताइए 16 यहाँ पे 16 6 96, 16 से 6 बार में 160 ना जी, हाँ 160 है, और 16 से के बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा, और कट जाएगा है ना, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, यानी जो आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 3:5 हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर भाई,
तीन अनुपात में क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा, आपका क्वेश्चंस का यही आंसर हो जाएगा। चलिएगा इसी क्वेश्चंस को हम लोग सेकंड मेथड से हल कर लेंगे। देखिए सेकंड मेथड, चलो बाबू सेकंड मेथड देखेंगे, सारे के सारे लोग विद्यार्थी ध्यान देकर देखिएगा सेकंड मेथड क्या होता है। अरे भाई देखो जरा सेकंड मेथड क्या बोल रहा है। यदि आपको फर्स्ट और लास्ट का अनुपात पूछे दिए गए है ना, इस तरह के प्रश्न में यदि आपको फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो आप क्रॉस विधि से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप बताइए तो इसको ए अनुपात को, ए अनुपात बी को क्या आप बटा में लिख सकते हैं, अनुपात को आप बटा में भी लिख सकते हैं। तो ए बटा बी क्रॉस है ना बी बटा सी बराबर, इसको बटा में लिखें तो इसको भी बटा में लिखेंगे, कितना लिख सकते हैं आप 32/35 क्रॉस है ना 21 बटा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। बताओ इस 32 से 32 क्या हो गया, खत्म हो गया, बी से भी क्या हो गया आपका कट गया। तो ए और सी में बच्चा जी, अरे ए सी का तो आपसे मान पूछ रहा है, बताओ सात से के बार में, तीन बार में, सात से के बार में, पांच बार में, यानी ए बटा सी का मान कितना निकल गया 3/5, यानी ए सी का मान कितना हो जाएगा 3/5। यही आपका विद्यार्थी जी क्वेश्चंस का आंसर हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको एकदम 100% समझ में आया होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब हम लोग लेंगे अगले प्रश्न, चलिएगा देखो जरा दूसरा नंबर क्वेश्चन, अरे देखो ना जरा, अरे मेरे भाई देखो जरा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 60% अधिक है तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। बताओ दो संख्या तीसरी संख्या, इसका मतलब संख्या के गो है, तीन गो है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये आपका बाबू तीसरी संख्या हो गया। तीसरी संख्या दिया हुआ नहीं है तो मैं तीसरी संख्या को क्या मान लूंगा, 100 मान लूंगा। और उसके बाद बोला है तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 60% अधिक है, तो इसको 100% कर लीजिए, 60% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, 160% हो जाएगा। पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, यानी कितना हो जाएगा मेरे बाबू 130% हो जाएगा। बताओ परसेंट से परसेंट, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो आपका खत्म हो जाएगा। पूछा है क्या है आपसे, पूछा है आपसे कि दोनों संख्या का अनुपात यानी इसी यानी पहली और दूसरा ही के पूछा है, यानी कि दोनों संख्या का अनुपात यानी पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है, यानी कि 13/16 बाबू 16 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चंस को भी बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ रखा होगा। लॉलीपॉप क्वेश्चंस है क्या है, अरे भाई लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आ जाओ तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, देख लेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात, एक मिश्रण था बाबू उसमें रेत और रोड़ी दिया है, क्या दिया है, रेत है, रेत का मतलब बालू हुआ और रोड़ी का मतलब जानबे करते हैं लगाने वाला है ना, रेत और रोड़ी है, क्या है रेत और रोड़ी का अनुपात जानते हैं कितना दे रखा है, 41/30 दे रखा है। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41/30 कितना दिया है आपका 30 दिया है। फिर आगे चल के बोल रहा है कि जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात, फिर दे चुका है रोड़ी और सीमेंट का अनुपात, फिर बोला है कि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात, रोड़ी और सीमेंट का अनुपात, रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना कितना दे रखा है, 6/7 दे रखा है, 6/7 दे रखा है। उसके बाद पूछा है कि मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा, यानी कि रेत और सीमेंट का आपसे अनुपात पूछ दिया है, रेत अनुपातें सीमेंट, रेत अनुपातें सीमेंट, यानी कि रेत और सीमेंट का अनुपात बराबर क्या भाट है। चलिए हम लोग प्रेम से इस प्रश्न को हल कर लेंगे, आप ही बताइए दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में सर कॉमन कौन है आपका रोड़ी है, है ना, यानी कि एक ही घर में, एक ही घर में है ना दो जन का, है ना एक ही घर में एक जन का अलग अलग नाम है, एक ही घर में एक जन का अलग अलग नाम है। यहां पे इस घर में रोड़ी को बोल रहा है कि 30 है ना, इस घर में रोड़ी को बोल रहा है 30 है और इस घर में रोड़ी का बोल रहा है 6 है। तो हमने बोला कि नहीं 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 है ना, इसको क्या बना दो, ये 30 है तो यहां पे भी 30 बोलना होगा, इस घर में भी 30 बोलना है, तो 30 बोलने के लिए इसमें क्या करना होगा भाई, क्या करना होगा आपको, 5 से गुना करा लेंगे तो देखिए ना रोड़ी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इसमें तो गुना कराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है,
इसमें गुना कराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो 30 है इसमें खाली हमारा रोड़ी है ना 6, इसको 30 बनाना है। तो 30 बनाने के लिए इसमें किससे गुना कर दूं, 5 से गुना कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। तो किसका पूछा है, रेत और सीमेंट का अनुपात। तो बताओ रेत कितना है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो रेत कितना हो गया आपका 41 हो गया अनुपात सीमेंट, तो सीमेंट से गुना कर लेंगे तो 7 × 5 = 35, यानी कि 41 अनुपात में 35 आपका क्वेश्चंस का राइट आंसर हुआ मेरे भाई। क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन के में चला जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा था ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझा होगा, क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब इसी को आपने बहुत सारे और तरीके हैं है ना, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का पूछा है, गुना करा लेंगे 41/30 ठीक है, क्रॉस है ना 6/6 क्या कर सकते हैं 7 कर लेंगे ठीक है। आप बताओ यहां पे 6/5 = 30 हो जाएगा, 6/5 = 30 हो जाएगा, यानी कि देखिए ना 41/35 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो किसका निकला, फर्स्ट और लास्ट का निकला, यानी कि रेत और सीमेंट का अनुपात निकला 41/35। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा मेरे भाई मेरे दोस्त है ना मेरे सोना। आगे चलो ध्यान दे दो, अरे भाई आगे देखो ना जरा क्वेश्चन चौथा, ओहो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सारे के सारे लोग ध्यान देंगे बोर्ड पे। देखिए भाई चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक थैला में लाल हरे एवं गुलाब के टोकन था, एक थैला अली बाबू ओकरा में क्या बोल रहा है, एक थैला में लाल हरे एवं गुलाब रंग का टोकन था, लाल कोची कहला है, लाल हरा हरे और किसका टोकन था आपका गुलाबी, गुलाबी है ना, एक थैला में लाल हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं, लाल एवं हरे टोकनों का अनुपात, लाल एवं हरे टोकनों का अनुपात कितना दे चुका है, लाल एवं हरे टोकनों का अनुपात, तो लाल यानी कि रेड यहां मान लेते हैं और हरे यानी कि ग्रीन है ना, लाल हरे टोकनों का अनुपात कितना दे चुका है, लाल एवं हरे टोकनों का अनुपात दे चुका है 5:11 दे चुका है, 5:11 दे चुका है, जबकि गुलाबी जमनैया है ना, जबकि गुलाबी चलिए इसको लिख देते हैं गुलाबी, चलिए इसको कर लेते जीव गुलाबी, उसके बाद क्या पूछा है, गुलाबी गुलाबी एवं लाल टोकनों का अनुपात, गुलाबी एवं फिर रेड टोकनों का है ना, रेड टोकनों का अनुपात कितना कितना दे चुका है, 7:15 दे चुका है, 7:15 दे चुका है, 7:15 दे चुका है, तो हरे एवं गुलाबी टोकनों का अनुपात क्या होगा, यानी हरे एवं गुलाबी टोकनों का अनुपात क्या होगा, ग्रीन एवं गुलाबी है ना, इस दोनों का अनुपात क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, आंसर पूछा है। आप एक बात बताइए कि यहां पे आपका रेड है और यहां पे आपका रेड है, रेड को घर में बोला जा रहा है 5 और ससुराल में बोला जा रहा है 15 है ना, रेड को घर में बोला जा रहा है 5 और ससुराल में बोला जा रहा है 15, तो हमने बोला कि अरे भाई ये हो 5 से 15 बोलो ना, ये हो 15 बोल दो, इसमें भी क्या बोल दो 15 बोल दो, तो 15 देखिए ना रेड को क्या, इस रेड क्या है आपका कॉमन है, तो यदि यहां रेड 5 है यहां रेड 15 है, लेकिन दोनों जगह पर रेड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल होने के लिए केवल और केवल इसमें 3 से यदि गुना मैं करवा दूं ना तो मेरा काम बन जाएगा, इसमें कराने की कोई जरूरत है ही नहीं है, कोई जरूरत है ही नहीं है। अब बताओ 35 × 15 हो गया अनुपात 11 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, कितना जाएगा 33 हो जाएगा, इसमें कराने की जरूरत नहीं है। तो आपसे किसका पूछा है, ग्रीन और गुलाबी रंगों का अनुपात पूछा है, तो बताओ ना ग्रीन कितना हो जाएगा आपका, देखिए ग्रीन कितना हो जाएगा 33 और गुलाबी कितना हो जाएगा आपका 7, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कि 33:7 आपका क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गया होगी। अरे भैया देखो 5वां नंबर क्वेश्चन बाबू, 5वां आ जाओ 5वें नंबर प्रश्न की ओर, ए अनुपातें बी बराबर 5:8 है। अरे भाई देखो ना जरा प्रेम से देखो, ए अनुपातें बी बराबर 5:8 है ठीक है,
और बी अनुपात है सी बराबर, बी अनुपात है सी बराबर आपको दे चुका है 18:25 दे चुका है, 18:25 दे चुका है। उसके बाद पूछा है कि देन तो ए अनुपातें सी बराबर भाट है, ए अनुपातें सी बराबर भाट है, यानी ए अनुपातें सी का मान ज्ञात करना है, यानी फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप क्रॉस मेथड से भी हल कर सकते हैं, आप बैलेंस करके भी हल कर सकते हैं, आप भर के भी हल कर सकते हैं, आप तिरछा तिरछी गुना करके भी हल कर सकते हैं। मैं आपको जब मैं आपका ऑफलाइन में क्लास करवाया था तो आपको मैंने 6 या 7 तरीके से आपको मैंने बताया था इस चीज को बनाने के लिए, ठीक है। अब चलिए आपको मैं बता दूं कि यहां पे हमको पूछा ए अनुपातें सी, यानी कि ए अनुपातें सी, यानी कि पूछा ए और सी का अनुपात पूछा है। तो इसमें देखो कॉमन कौन है भाई, अरे कॉमन कौन है, 8 है, तो कॉमन से जल्दी हमको ऐसा ही बना लेते हैं। देखिएगा इसका ए अनुपातें बी का मान कितना दिया है, 5:8 है, तो ए है बी है, फिर बताओ बी के सामने कौन रखेंगे, बी रखेंगे, तो बी का मान कितना है 18 है, तो बी के सामने बी और सी को आगे बढ़ा लेंगे 25, ठीक है। क्रॉस से आप प्रश्न को हल कर लो ऐसे और ऐसे, ठीक है। 18 × 5 = 90 है ना, 18 × 5 = 90, 18 × 8 कितना हो जाएगा है ना, 18 × 8 = 64 हाथ में रहा कितना जी, 6 × 8 = 14, 18 × 8 = 44 हो जाएगा, अब 25 × 8 = 200 हो जाएगा। पूछा ए अनुपातें सी का मान पूछा, यानी कि ए का मान पूछा है और इस सी का मान पूछा है, यानी ए और इस सी का मान पूछा है। अब बताओ 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यानी 9:20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, 9:20 आपका क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, सॉरी 9:20 आपका क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी में, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस को भी आपने बहुत ही बारीकी तरीके से समझा होगा, बहुत ही बारीकी तरीके से समझा होगा, है ना। जैसे आपको पसंद पड़े वैसे आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसी क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूं नया कुछ तरीके से, चलिएगा। इसको हम पूछा फर्स्ट और लास्ट, तो मैंने आपको बताया ना कि जब भी आपसे बाबू फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछेगा तो क्या कर लेंगे, बटा करके क्रॉस विधि से आप हल कर लेंगे, 5/8 और यहां 18/25 हो जाएगा। अब चलो इसको काट लो ना भाई, काट लो 5×5 = 25 है ना, बताओ इसको काटो, 4×2 = 8, 2×2 = 8 और 9×2 = 18, यानी कि 9:20 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। बताया आया कि नहीं आया, ए और सी का रेशियो निकला, क्या निकला, ए और सी का रेशियो निकला इस सेकंड रूल से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। हम लोग चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, चलेंगे 6 नंबर, सब लोग बाबू ध्यान देंगे, 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे मेरे भाई। अरे देखो ना जरा, यदि ए अनुपात बी है ना, जो 45:56 दिया, ए यदि ए अनुपात बी का अनुपात 45:56 है, यदि ए अनुपात है ना, यदि ए अनुपातें बी का मान कितना दे चुका है आपको, 45:56 कितना दे चुका है, 56 दे चुका है, ठीक है, कितना दे चुका है, 56 दे चुका है, और बी अनुपातें सी का मान है ना, बी अनुपातें सी का जो आपको मान दे रखा है बाबू वो कितना दे रखा है, 16:35 दे रखा है, 16:35 दे रखा है। तो पूछा है ए अनुपातें सी, यानी ए अनुपातें सी बराबर आपका क्या है, भाट है, यानी ए अनुपातें सी का मान पूछा है। अब एक बात बताइए है ना, आपको फर्स्ट और लास्ट का पूछा है तो आप क्रॉस विधि से प्रश्न को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे 45/ आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा प्रेम से है ना, 16/ कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा, काट लेंगे है ना, 5 से काट लेंगे, 9×5 = 45 है ना, यानी कि 5 है ना, 5 है ना, कितना हो गया 45, 5 से 9 बार में कट जाएगा, और ये 5 से आपको कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा, और चलिए इसको भी आप काटना चाहें काट लीजिए है ना, 8×2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8×7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी कि 9×2 = 18 और 7×7 = 49 है ना, 7×7 = 49, यानी 18:49 आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा है ना, 18:49 आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 18:49 जो आपका क्वेश्चन का सो राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसी चीज को आप बनाना चाहेंगे, सर आप बैलेंस करके क्यों नहीं बताएं, बिल्कुल आप बैलेंस करके बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा अगले नंबर हम लोग क्वेश्चन चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन, चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग बहुत ही प्यार से देखने वाले, 7 नंबर प्रश्न, चलिएगा
सारे के सारे लोग ध्यान देंगे बाबू सात नंबर क्वेश्चंस पे देखिएगा। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की चार गुनी है, बताइए एक सूरज जी हैं और यहां पे आपका रवि जी हैं, ठीक है। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि का चार, रवि का एक है तो सूरज का कितना है चार है, बताओ सूरज का धनराशि रवि का धनराशि का चार गुना हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि का 16 गुना है, अब देखिए फिर बोला है ना कि रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि का 16 है तो कितना है, ई एक है, ठीक है एक है 16 गुनी है, तो आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात क्या होगा, आदित्य और सूरज के धनराशि का अनुपात कितना होगा, इतना बराबर आपका क्या है भाट है। एक बताओ इस घर में रवि को बोल रहा है एक, इस घर में रवि को बोल रहा है 16, मैं कहा काम चलने वाला नहीं है, दोनों जगह रवि क्या होगा समान होगा, तो समान करने के लिए इसमें 16 से गुणा करा लेंगे, 16 चौके 64, यहां रवि कितना 16, यहां पे भी तो रवि 16 ही है, इसमें तो कुछ कराने का जरूरत है ही नहीं। आपसे क्या पूछा है आदित्य और, है ना, आदित्य और सूरज का अनुपात, तो आदित्य कितना है एक है और सूरज कितना है 64 है, यानी आदित्य और सूरज का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:64 हो जाएगा, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिएगा हम लोग देखेंगे आठवां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो जरा आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे के सारे विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे आठवां नंबर क्वेश्चन पे, चलिएगा ध्यान देंगे बउआ। चलिए देखेंगे, यदि ए अनुपातें बी बराबर 2:3 है, ए अनुपातें बी बराबर 2:3 है, उसके बाद बोला है कि ए अनुपातें सी बराबर, है ना, फिर बोला है ए अनुपातें सी बराबर कितना दिया है आपको, 10:21 दिया है, 10:21 दिया है, तो बी अनुपातें सी बराबर क्या है भाट है। चलो हल कर लो ना, बताओ इसमें क्या है, ए कॉमन है, यानी कि ए कॉमन है, इस घर में ए को 2 कहा जा रहा है, इस घर में ए को 10 कहा जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे दोनों जगह पे ए को एक ही नाम होना चाहिए, तो एक ही नाम होने के लिए इसमें लगता है 5 से गुना करा देंगे ना, तो मेरा काम बन जाएगा। अब बताओ 5 × 2 = 10, 35 = 15, बताओ यहां भी ए को 10 बोला जा रहा है, यहां भी ए को 10 बोला जा रहा है ना, 10 ए से तो हमको मतलब है, चूंकि ए दोनों में ओवेनिष्ठ है, ठीक है, हमको पूछा है बी और सी का मान पूछा है, तो बताओ बी का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया और सी का मान कितना है 21 है, ठीक है 21 है। अब बताओ इस कट जाएगा क्या, कट जाएगा 3 से 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, यानी कि 5:7 आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 5:7 आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका मिल जाएगा मेरे विद्यार्थी जी। चलेंगे हम लोग देखेंगे नौवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, आ जा नौवां नंबर क्वेश्चन की ओर, देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए अनुपातें बी बराबर 7:9 दिया है, यदि ए अनुपातें बी बराबर, ए अनुपातें बी बराबर 7:9 है, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बी अनुपातें सी बराबर आपको दे चुका है 5:11 है, 5:11 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर का क्या है वाट है। चलो भाई, अरे भाई देखो ना जरा, यहां पड़े भी कर लीजिए, है ना, चलिएगा ध्यान देंगे। आप बताओ हमको पूछा ए अनुपातें बी अनुपातें सी का मान पूछा है, चलिए बहुत ही प्रेम से हल कर लेंगे। अब चलो भाई यहां पे बी कितना है 9 है, यहां पे बी कितना है 5 है, यहां पे बी 5 है, यहां पे भी 9 है, यानी कि चलो एक स्टेप में और लिख देता हूं आगे, है ना, ज्यादा समझ में आ जाएगा, यानी कि 7:9 हो गया बाबू, तो इसमें किससे गुना करा दूं, 5 से गुना करा दूं, और बताओ बी अनुपातें सी बराबर कितना दिया 5:11 दिया, इसमें कितना से गुना करा दूं, चलो इसमें 9 से गुना करा देंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा बी, तो बताओ 7 × 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 9 × 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब चलो इसमें ध्यान दो, इसमें आप ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, 9 × 5 कितना जाएगा 45 हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, बताओ दोनों जगह पे बी का वैल्यू समान हुआ कि नहीं, यहाँ पे बी कितना हुआ 45, यहाँ पे बी कितना हुआ 45, बी ए को तो केवल 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 और केवल क्या करना था, बैलेंस करना था। अब हमसे पूछा ए अनुपातें बी अनुपातें सी का रेशियो, तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका 35, बी का मान कितना हो जाएगा आपका 45 और सी का मान कितना हो जाएगा 99, कटेगा नहीं कटेगा, यानी यही आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ए अनुपातें बी अनुपातें सी का मान कितना निकल गया 35 अनुपातें 45 अनुपातें 99 हो गया, यानी कि नौवां नंबर के ऑप्शन चला जाएगा आपका कितना में चला जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा, कहां चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा।
चलिएगा हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सारे के सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे 10 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से, है ना। चलिएगा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। यदि ए अनुपात बी बराबर 3/2 अनुपात 7/3 है। चलिएगा ध्यान देंगे, ए अनुपात बी बराबर आपको दिया है 3/2 अनुपात 7/3 ए अनुपात बी का मान इतना है। अब ध्यान देंगे बी अनुपात सी बराबर वैल्यू दिया है 1/5 अनुपात 1/7 तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। तो यहां भी बोल रहा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपका क्या है भाटे, इसी को मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था, जब मैंने आपको मैं पढ़ा रहा था जब फाउंडेशन कोर्स ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ कोई मेहमान आए तो खड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता, इसको बैठाना है। तो बैठाएंगे कैसे, हर के एलसीएम लेके, किसको क्या करके बैठाएंगे, हर के एलसीएम लेके बैठाएंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं तो तिरछा तिरछी फिर गुना कर लेंगे, है ना, 9 हो जाएगा, और 7 × 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 होगा। इसमें तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, यानी यहां पे आपका रेशियो क्या क्या निकल के आ जाएंगे, यानी यहां पे आपका रेशियो क्या निकल के आ जाएंगे, 7/5 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब चलो भाई यहाँ पे ए अनुपात बी, और यहाँ पे भी क्या हो गया, बी अनुपात सी हो गया। अब देखो इसमें ओवेनिष्ठ कौन है, ओवेनिष्ठ कौन है बी है, यानी ओवेनिष्ठ कौन है बी है, तो बी को आपको केवल और केवल बराबर करना है, यानी कि इस घर में बी का नाम 14 है और इस घर में बी का नाम 7 है। तो दोनों जगह बी का वैल्यू समान करने के लिए लगता है कि सर इसमें 2 से गुना करा जाएगा मेरा काम हो जाएगा। चलो 2 से आप गुना करा लीजिए, तो कितना जाएगा 7 × 14 5 × 10, है ना, 7 × 14 और 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, आपका काम क्या हो जाएगा बन जाएगा। अब ध्यान देंगे आपसे पूछा ये अनुपात है बी अनुपात सी का वैल्यू ना, तो बताइए ए का मान कितना है आपका 9 है, बताइए ना बी का मान कितना दिया है आपका, कितना हो गया बी का मान 14 हो गया, और सी का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 9 × 14 = 10 आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, 9 × 14 = 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर। चलिएगा अब ये देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे भाई देखिए जरा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 दिन का 30 घंटे का 7 अनुपात क्या होगा, 3 दिन का 30 घंटे के 7 अनुपात पूछा है, 3 दिन का 30 घंटे के 7, तो 3 दिन में कितना घंटा होगा 24 या 72 घंटा, और उसको कितने घंटे के साथ अनुपात पूछा है, 30 घंटे के 7 अनुपात पूछा है, है ना, बताओ ना कै बार में कट जाएगा, है ना, 6 से कै बार में कट जाएगा 12 बार में कट जाएगा, 6 से कितने बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, यानी 12 अनुपात 5 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ भाई। चलेगा ही आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ, चलेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए चलो ध्यान दो 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे भाई प्रेम से देखो ना 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे देखो जरा, एक थैला में लाल हरे और गुलाबी टोकन थे, एक थैले में लाल हरे और गुलाबी टोकन थे, एक थैला में क्या था लाल हरा और गुलाबी, एक थैला में लाल हरा और गुलाबी टोकने थे, लाल और हरे टोकनों का बीच का अनुपात 15/32 दिया है, लाल और हरे टोकनों का बीच का अनुपात कितना दिया है लाल, है ना, ध्यान देंगे लाल और हरे टोकनों का बीच का अनुपात दिया है 15/32 दिया है, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों का अनुपात गुलाबी और लाल टोकनों का अनुपात कितना दिया है 18/25 कितना दिया है 25 दिया है, तो हरे और गुलाबी टोकनों का बीच का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि हरे और गुलाबी टोकनों का बीच का अनुपात ज्ञात करना है, इसी दुगो के मान ज्ञात करना है।
आप एक बात बताओ बाबू, यहां पे आपका क्या है, लाल है, यहां पे आपका लाल है, लाल को क्या करना है, इक्वल करना है। तो लाल को इक्वल करना है यानी इस घर में लाल को नाम 15, इस घर में लाल को नाम 25 है, काम चलने वाला नहीं है, दोनों जगह पे लाल का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बताओ इसको क्या कर लेंगे, इसमें हम क्या से गुणा कर लेंगे, इसमें लगता है कि 5 से गुणा कर लेंगे, इसमें मैं 3 से गुणा कर लेंगे, तो दोनों जगह पे लाल का वैल्यू क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। बताओ 15 पचे 75 हो जाएगा लाल, और 32 पचे कितना हो जाएगा, 32 पचे आपको हो जाएगा 160, क्या हो जाएगा 160। बताओ 38 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और बताओ 25 कितना हो जाएगा, 75। बताओ दोनों जगह पे लाल का वैल्यू, यहां भी लाल 75, यहां भी लाल 75, अब मेरा काम हो गया। आपसे क्या पूछा है, हरे और गुलाबी का रेशियो ना, तो बताओ हरे और गुलाबी का रेशियो पूछा, तो हरा कितना हो जाएगा आपका 160 हो गया, और बताओ गुलाब है ना, गुलाबी, तो गुलाबी कितना है ना, सॉरी गुलाबी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, यानी 160 क्या और 54 हो जाएगा, काट लीजिए ना, यानी 80 अनुपातें आपका क्या हो जाएगा, 27, 80 अनुपातें क्या हो जाएगा, 27। ये क्वेश्चन का आपका आंसर हुआ, जो आपको बाबू ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को बना लिया हुआ, देखिए इसका रेशियो कहां पे लिख दिया हूं, यहां पे लिख दिया हूं, यानी 80 अनुपातें 27 आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलेंगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाई देखो जरा प्रेम से 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 है। तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे है ना, यानी कि एक नाम है तुलिप, तुलिप और क्या है देवांश है, हाँ तुलिप और देवांश के पास कंचे की कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 है। 7:9 क्या है, 9 है, कंचे का मतलब होता है गोली है ना, 7:9 थी, जबकि शीतल और देवांश, अब देखिएगा फिर से आ गया शीतल, कौन आ गया, शीतल, शीतल और देवांश हो गया, शीतल और देवांश, ठीक है, शीतल और देवांश के पास कंचे की संख्या का अनुपात 7:15 कितना है आपका, 15 है, कितना है, 15 है, हाँ 15 था। तो तुलित और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात क्या है, तुलित और शीतल के पास, तुलित और शीतल के पास है ना कंचों की संख्या का अनुपात पूछा। एक बात बताइए ना, क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में क्या कॉमन है, सर देवांश कॉमन है, देवांश क्या इस घर में 9 कहा जाता है, इस घर में 15 कहा जाता है, हम बोले कि इससे काम चलने वाला नहीं है, दोनों जगह पे देवांश को क्या करना है, इक्वल करना है। तो सर लगता है इक्वल करने के लिए लगता है ना कि इसमें कितना से गुना कर दूं है ना, इसमें 5 से गुना कर दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और इसमें सर 3 से गुना कर दूंगा तो 15 × 3 = 45 दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तुलित, तो तुलित का मान कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, और बताओ शीतल, तो शीतल कितना हो जाएगा है ना, शीतल, शीतल क्या हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा। बताओ ना 21 से 5 से कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में, सॉरी 5 से है ना, किससे 7 से कितने बार में, 7 × 5 = 35, 7 × 21 7 से कट जाएगा, यानी कि 5 अनुपातें 3, यही आपका क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हुआ। 7 से कितने बार में 5 बार में, और 7 से कितने बार में 3 बार में, यानी 5 अनुपातें 3 आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ भाई, जो आपका ऑप्शन नंबर के में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर किसमें है, ए है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह चीज भी समझ में आ गया होगा। हम लोग देखेंगे आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे के सारे भी खो जरा 14 नंबर क्वेश्चन प्रेम से, किससे देखना है, प्रेम से देखना है 14 नंबर क्वेश्चन। जोई और मिंती के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है। जोई और मिंती के कंचों की संख्या, एक जोई है, एक क्या है जोई, और एक क्या है आपका मिंती है, हाँ ना, कौन है मिंती। जोई और मिंती के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 कितना है, 8 है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जबकि जैविक और मिनित, जैविक जैविक है ना, जैकब है जी, सॉरी जैकब और किसका मिंती, मिनित क्या है, जैविक जैकब और है ना मिनित के कंचों का अनुपात 7:12 कितना है आपका, 12 है, क्या है 12 है।
क्या है, 7:12 है। तो जोई और जैविक के कंचों की संख्या, यानी जोई और जैविक के कंचों की संख्या, जैकिब, जोई और जैकिब के कंचों की संख्या, जैकब की कंचों की संख्या आपसे पूछा, यानी इतना बराबर क्या है, 8 है। आप बताओ दोनों में कौन कॉमन है, मिंती कॉमन है, मिंती कॉमन है, मिंती कॉमन है, इसमें मिंती, इसमें मिंती है, मिंती का मतलब एक है ना, अलग अलग नाम पड़ रहा है, इसमें 8 है, इसमें नाम 12 है। हमने बोला कि नहीं दोनों जगह मिंती का नाम समान होना चाहिए, तो बताओ समान करने के लिए इसमें 3 सुगुना कर दूं, इसमें 2 सुगुना कर दूं, दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जोई का मान कितना हो जाएगा, जोई यानी 35, जोई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जैकब कितना हो जाएगा, 7 × 14, यानी कि 15:14 आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर किसमें मिल जाएगा, सी में मिल जाएगा। सो राइट आंसर हुआ, क्या हुआ, सो राइट आंसर हुआ। हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन सारे के सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। चलो भाई देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी मिश्रण में रेत और बजरी है ना, बजरी का अनुपात 7:8 है, रेत और बजरी, चलिएगा किसी मिश्रण में रेत और बजरी, रेत और बजरी का अनुपात कितना कितना दे रखा है, 7:8 है, 7:8 है, रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट, फिर बोल रहा है कि बजरी और सीमेंट, सीमेंट है ना, बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना दे चुका है, 6:7 दे रखा है, 6:7 दे रखा है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा, मिश्रण में है ना रेत और सीमेंट का अनुपात, यानी रेत और सीमेंट का अनुपात हमसे पूछा है, रेत इसका और इसका हमको अनुपात पूछा, यानी इसको में मत क्या है, बजरी आपका क्या है, दोनों में है, बजरी आपका क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी बजरी है जो क्या है, कॉमन है। तो कॉमन वाला को क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बैलेंस करना होगा, क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, यानी बजरी को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मैंने मान लेता हूं कि इसमें 28 हो जाएगा, 6 × 24, इसमें 4 से गुना करा लेंगे, दोनों जगह में बजरी का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तब आपका रेत और सीमेंट का अनुपात निकल जाएगा, रेत और सीमेंट का अनुपात निकल जाएगा, सीमेंट, रेत और सीमेंट का अनुपात निकल जाएगा। बताओ रेत कितना हो जाएगा है ना, 27 और सीमेंट कितना हो जाएगा बाबू, 27 है ना। आप बताओ इसका रेशियो काटना चाहते हैं तो 7 से 3 बार में 7 से 4 बार में, यानी 3:4 आपका क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 3:4 आपका क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। चलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, बहुत ही प्यार से देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 1:5 के अनुपात में अनुपात को दर्शाना में कि कैसे दर्शाया जाए, 1:1 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाएं। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, 1:5 को दशमलव में दर्शाने के लिए कह रहा है, यानी कि 1/5 दशमलव में दर्शाने के मतलब 0.2, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, दशमलव में मैंने दर्शा दिया। चलिएगा आगे देखिए बाबू, आपको मैं बता दूं कि 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर ये सारा का सारा एक ही टाइप का प्रश्न है आपको बन जाएगा, जो मैंने आपको पीछे से करवाते आ रहा हूं वही सब है, बैलेंस करना है, सारे लोग बैलेंस कर लेंगे क्वेश्चंस को, सारे के सारे लोग बैलेंस को क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू, गौर फरमाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन को, सारे के सारे विद्यार्थी देखेंगे क्या बोल रहा है। अब भैया ये तो मैंने भी क्वेश्चन मैंने पीछे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, 2 संख्या का अनुपात तीसरी संख्या से 40% 60% ज्यादा है तो प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा, यानी कि संख्या के गो है 3 गो है, संख्या के गो बाबू 3 गो है, ठीक है, यानी तीसरी संख्या को 100% मान लेता हूं तो कितना अधिक है जी, 60% अधिक है, यानी कितना जगह 160%, ये कितना है 40% अधिक है, यानी कितना जगह 140, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 से 0 खत्म, रेशियो में जो करता है जो काट लेते हैं, यानी पूछा है आपसे क्या पूछा है ना, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है, काट लो ना और भाई 7:8 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्वेश्चन का हुआ। चलिएगा समझ में आ गया होगा, अरे भाई चलो हम लोग देख लेंगे, अब आ जाओ 21-22 छोड़ दीजिए आपको बन जाएगा कि मैं बता ही दूं, चलो भाई बता ही देता हूं 22 नंबर को 22 देख लो। चलिएगा देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा 22 नंबर आपसे क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, क्या बोल रहा है आप ध्यान देंगे, 22 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि a/b बराबर है ना, a/b बराबर आपको दे चुका है 3:4 दे चुका है, 3:4
चार दे चुका है और बी अनुपात है सी बराबर, बी अनुपात है सी बराबर आपको दे चुका है, छह अनुपात है पांच दे चुका है, छह अनुपात है पांच दे चुका है। उसके बाद पूछा है कि ए अनुपात इंटू में ए प्लस सी बराबर क्या है, भाट है। अब आपको बताना है बाबू कि इसमें कौन सा ओवेनिष्ठ है, आपका बी क्या है ओवेनिष्ठ है। यहां पे आपका बी का मान चार है, यहां पे बी का मान छह है, आपको बराबर करना है। तो क्या कर लेंगे आप बराबर करने के लिए, बी को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें मैंने आपको तीन से गुना कराता हूं, इसमें आपको दो से गुना कराता हूं, इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो ए का मान कितना हो जाएगा, तीन थी आई नौ हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा अनुपात, ए का मान कितना जाएगा नौ हो जाएगा, सी का मान कितना निकल जाएगा देखो ना, पांच दुनी दस, यानी नौ अनुपात है उन्नीस। आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, सो राइट आंसर। चलिएगा आपने 22 नंबर क्वेश्चंस को भी पढ़ लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी में मिल जाएगा। अब देखिए आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन सारे के सारे विद्यार्थी देंगे, देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, नंबर प्रश्न पे चलो ध्यान दोगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए भाई 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए है ना, ए है ना, ए है और ए अपॉन बी, ए अपॉन बी बराबर दिया है एक बटा चार, ठीक है, और b अपॉन c बराबर आपको दिया है एक बटा आठ दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि और a बराबर दो है, यानी एक का मान दो है, तो आपसे पूछा है कि c, तो c बराबर क्या होगा, c बराबर क्या है भाट है। अब चलो ना इसको देखो, a बटा b है ना क्रॉस b बटा c हो गया बराबर एक बटा चार और गुने में एक बटा आठ, बताओ b से b खत्म हो गया, हमको a और c से तो मतलब है, a का मान दे चुका है, c का मान हमसे पूछा है, यानी a बटा c का मान कितना जाएगा आठ चौके बत्तीस, यानी कि a का मान एक और c के मान बत्तीस, लेकिन a का मान पूछा है दो, यानी कि इसका मान कितना है दो हो जाएगा, यानी कि इसको दुगना करना है, तो इसको भी हमको क्या करना होगा दुगना करना होगा, तो कितना आ जाएगा चौंसठ, यानी कि जो c का वैल्यू आ जाएगा चौंसठ आ जाएगा, c का मान कितना जाएगा चौंसठ, आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। देखिएगा इस जब a को हम क्या करेंगे दुगना करेंगे तो रेशियो क्या कहता है, जैसे कि तैसी, जो बाबा को ध्यान धावे पवन सुख जिंदगी भर पावे, जैसे ऊपर उसने नीचे, तो मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर लिया, ऊपर दो से गुना करा दिया तो फिर मैंने नीचे भी दो से गुना करा दिया, यानी कि सी का मान कितना निकल के आ गया चौंसठ निकल के आ गया। चलिएगा देखिएगा 23 नंबर हो गया प्रश्न, आप 24 खुद से बना लेंगे, हल्का प्रश्न है, आप आ जाओ आगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। देखो भाई 25 नंबर को 25 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई 25 नंबर देख लो जरा क्या कह रहा है। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11 अनुपातें 8 है, मिट्टी और बजरी है ना, मिट्टी और क्या है बजरी है ना, चलो देखो जरा प्रेम से, मिट्टी और बजरी है ना, क्या है बजरी, मिट्टी और बजरी का अनुपातें कितना दे चुका है 11 अनुपातें 8 दे चुका है, 11 अनुपातें 8 दे चुका है। उसके बाद पूछा है कि मिट्टी और सीमेंट का है ना, उसके बाद पूछा है आपसे कि बजरी और सीमेंट का अनुपात क्या है, बजरी, बजरी और सीमेंट का अनुपात, बजरी और सीमेंट, बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना दे चुका है 6 अनुपातें 7 दे चुका है, से अनुपातें 7 दे चुका है। तो आपसे पूछा है मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, यानी आपसे पूछा है मिट्टी है ना, मिट्टी और सीमेंट का अनुपात आपसे पूछा है, मिट्टी और सीमेंट का अनुपात पूछा है। आप एक बात बताओ, यहाँ पे बजरी क्या है आपका, दोनों में है ओवेनिष्ठ है, यानी इस घर में बजरी का नाम 8 है, इस घर में बजरी का नाम 6 है, मैंने बोला दोनों घर में बजरी का नाम क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तो समान करने के लिए बाबू समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं तीन से गुना करा दूं क्या, तीन से गुना करा देता हूं, इसमें मैंने सॉरी इसमें मैं तीन से गुना करा देता हूं, इसमें मैंने चार से गुना करा देता हूं, दोनों जगह बजरी का मान क्या हो जाएगा समान, छह चौके चौबीस अट्ठाई चौबीस। चलिए आपसे पूछा है मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, बताओ मिट्टी कितना हो जाएगा 11 तिया 33 और सीमेंट कितना हो जाएगा 28, यानी कि 33 अनुपातें 28 आपका क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 33 अनुपातें 28 आपका क्वेश्चंस का आंसर हुआ। अरे भाई देखो अगले नंबर प्रश्न, आपका लास्ट नंबर लास्ट क्वेश्चन है टाइप वन का, टाइप वन का 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है गौर फरमाएंगे, देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन सारे के सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, चले सब लोग ध्यान देंगे, निम्न लिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है, चलो ध्यान दो, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5 अनुपातें 7,
ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपको 2:3, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है 3:4, और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है 3:5। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा चेंज करना ई है, ई है, ई है, ई है। अब देखिए आपको चेक करने के लिए, जब मैंने भिन्न पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि इसको अनुपात को बटा के रूप में लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे 2:3 है, घेर लीजिए इसको, 3:4 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 3/5 हो जाएगा। बताओ, मैंने बोला था ना कि तिरछा तिरछी गुणा करते हैं और जिसके सामने बड़ा आता है वो क्या होता है, बड़ा मान होता है। यहाँ 7 × 14 = 35, 15 यानी कि खत्म हो गया, ये छोटा है। बताओ 35 × 15 और 4 × 12 यानी ये भी छोटा है। अब इसको और इसको में तुलना करा दो कौन बड़ा होगा, तो 5/7 यहाँ कितना है 3/4 है। बताओ 7 × 21 = 520 यानी छोटा है, आपका बड़ा कौन हो जाएगा 3:4 सबसे बड़ा है, यानी आपका सी नंबर आंसर, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरी और आपको समझ में आया होगा है ना, तो आप क्या करेंगे चैनल को जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाएंगे और खुद भी कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज तक यहीं, फिर मैं बाद में मिलूंगा।